नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद वार्ड बॉय की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि कोरोना वैक्सीन से हुई है महिपाल की मौत। अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद वार्ड बॉय की मौत के बाद सीएमओ ने कहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, कोरोना वैक्सीन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आया है और इस शख्स की हार्ट अटैक से मौत है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक मुरादाबाद से पहुंचा रहा है, जहां पर कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद एक वार्ड बॉय की तबियत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती किया गया और तबियत में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद शख्स की मौत हो गई है। लेकिन इस मौत पर सीएमओ ने कहा है कि शख्स की मौत हार्ट अटैक से हुई है, ना कि कोरोना वैक्सीन से हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक वार्ड बॉय की मौत हो गई है कोरोना वैक्सीन लगने के बाद, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। लेकिन सीएमओ का बयान भी सामने आ गया है। सीएमओ ने तुरंत इस पर बयान दिया और कहा है कि वार्ड बॉय की मौत वैक्सीन से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। 48 साल वार्ड बॉय की उम्र बताई जा रही है, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति यहां पर लगातार बनी हुई है। दरअसल 16 जनवरी को वार्ड बॉय महिपाल को कोरोना का टीका लगाया गया था, रविवार शाम को उसकी तबियत बिगड़ गई थी। महिपाल के परिजनों का कहना है कि तबियत बिगड़ते देख उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल के सीएमओ ने कहा है कि वैक्सीन का कोई रिएक्शन मालूम नहीं होता है, उनके मौत के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि महिपाल पहले कोरोना से संक्रमित नहीं थे, लेकिन उनको मामूली निमोनिया जरूर हुआ था, जिसके बाद कोरोना वैक्सीन उनको लगाई गई थी और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लगातार वो खांस रहे थे, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि मौत उनकी हो गई है। लेकिन ऐसे में सीएमओ ने बयान दे दिया है। सीएमओ साफ तौर पर कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई है और रिएक्शन मालूम नहीं होता है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन का जो काम है वो लगातार किया जा रहा था, लेकिन उसमें मामूली रिएक्शन पाए गए थे। लेकिन मुरादाबाद में ये पहला मामला सामने आया है, जहां पर एक वार्ड बॉय की मौत हुई है कोरोना वैक्सीन लगने के बाद। लेकिन अस्पताल प्रशासन और सीएमओ इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, ना कि कोरोना वैक्सीन से। लेकिन ऐसे में हड़कंप की स्थिति लगातार बनी हुई है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है और साफ तौर पर यह बात कह दी गई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता लग पाएगा कि आखिरकार मौत हुई कैसे है। 16 जनवरी को वार्ड बॉय को टीका लगाया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ती गई, 24 घंटे बीतने के बाद उसकी मौत हो गई है। लेकिन अस्पताल और सीएमओ ये बात कह रहे हैं कि मौत का जो कारण है वो हार्ट अटैक रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित वो नहीं थे, लेकिन कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी, तबियत बिगड़ी, मौत हो गई है। लेकिन सीएमओ कह रहे हैं कि मौत कोरोना वैक्सीन से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया मुरादाबाद से आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।